हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से आपके प्रमोशन रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने कल ही 48,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को जो प्रमोशन रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले 5 दिनों में बी एड के साथ 65,000 स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो अगले 5 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। और अभी लगभग 48,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का प्रमोशन रिज़ल्ट जारी किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी से न्यूज़ जानेंगे हम यहाँ पर विस्तार से। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी की न्यूज़ आए आपको समय पर मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, बीए द्वितीय वर्ष के छात्र फेल। जी हाँ दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स यहां पर फेल हुए हैं, 2108 स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। और दोस्तों, ये आज की जो लेटेस्ट अपडेट है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के स्टूडेंट्स के लिए। आप इस न्यूज को आज दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को अमर उजाला न्यूज पेपर में आसानी से रीड कर सकते हैं। बीए द्वितीय वर्ष के 48,869 छात्रों को प्रमोट कर यूनिवर्सिटी ने उनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। इसमें से 47,760 विद्यार्थी पास हुए हैं, जबकि 2,108 जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए। यहां पर आप देख लीजिए, नकल करने के मामले में एक छात्र का परिणाम रोका गया है। इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक राजीव कुमार ने बताया कि बाकी के छात्रों को प्रमोट कर परिणाम 5 दिन में जारी कर दिया जाएगा, जो कि आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 65,000 छात्रों को 31 अक्टूबर तक प्रोन्नत कर दिया जाएगा, ये आप देख सकते होंगे। और जो 31 अक्टूबर तक प्रोन्नत होंगे उसमें बीएड के लगभग 15,000 स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, जो कि अभी आप यहां नीचे देख सकते होंगे। परीक्षा नियंत्रक ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें सबसे ज़्यादा विधि यानी कि जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के विधि यानी कि, और इसके साथ साथ बीएड के छात्र शामिल होंगे। तो जो बीएड के स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रमोशन रिजल्ट का भी सभी से इंतजार कर रहे हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पर अगले 5 दिनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस के कारण 2019-20 सत्र की स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष और प्रस्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा नहीं हो पाई। ऐसे में इन सभी छात्रों को आगे की कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है। विश्वविद्यालय स्नातक प्रस्नातक विभिन्न कोर्स में 3.50 लाख छात्र हैं। इसमें से विश्वविद्यालय ने अभी तक बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के लगभग 2.85 लाख छात्रों को आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया है। अब बीएड के करीब 15,000, विधि के 15,000, आवासीय संस्थानों के 20,000 और अन्य कोर्स के लगभग 15,000 छात्र बचे हुए हैं। इन सभी का जो प्रमोशन रिजल्ट है वो आगामी 31 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।